हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अचिताज टेबल। आज हम बनाने जा रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी, नीम फ्लावर के वड़े, जिनमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नीम फ्लावर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से निकाल के ऐसे रख दिए हैं, मैं इतना ही यूज़ करने वाली हूँ और ये देखने में भी कितना सुंदर लगता है। तो इसे अभी हम साइड पर रख देंगे। तो मैं यहाँ पर हाफ कप उधर दाल और हाफ कप राइस पानी में डाल के 3-4 घंटे के लिए पहले से ही भिगो के रखा था, तो ये पानी हम निकाल देंगे और यहाँ पर हमने जो नीम थोड़े से निकाले थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से ये थोड़ा ज़्यादा बीटर टेस्ट होगा। तो अभी हम इसे एक मिक्सचर ग्राइंडर पर डाल रहे हैं इसे मिक्स करने के लिए। तो अभी हम इसे मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी देंगे जितना ज़रूरत है। तो अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम निकाल देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़े से चॉप्ड किए हुए अनियन डालेंगे, मैंने यहाँ पर एक अनियन यूज़ किया है। उसके बाद थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी डालेंगे 1/3 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा का पाउडर 1/3 टेबल स्पून और थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे हम अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारा अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो इसे हम साइड पर रख देंगे। और मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है यहाँ पर बड़े बनाने के लिए। तो ये गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है 3-4 टेबल स्पून और ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद हमारा जो हमने रेडी किया था बैटर वो हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम इसे राउंड शेप का बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा भी मोटे नहीं रखेंगे वरना थोड़ा सा क्रिस्पी लगेगा तो अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा मोटे हम नहीं बनाएंगे। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर, तो 2 मिनट के बाद हम इसे दूसरी साइड पे करेंगे। तो जनरली हम नीम फ्लावर को सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं और ये एंटी डायबिटिक भी है और ये बहुत सारे स्किन डिजीज को भी क्योर करता है, तो इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये फ्लावर हमें जनरली मार्च अप्रैल में मिलता है, तो इसे जितना भी मिलता है हमें इसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसे ही हम धीरे धीरे इसे प्रेस करके हम इसे फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। तो अभी हमारे जो बड़े हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही करके बाकी सब भी हम बना लेंगे। और ये हमारी रेडी हो गई है नीम फ्लावर बड़े, जो कि बहुत ही यमी डिलीशियस बनते हैं। आप ऐसे ही खा देंगे 4-5, मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ। तो आप भी बनाएं इसे घर पे और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।